हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। और आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा योनो SBI से ATM कार्ड कैसे ऑर्डर करते हैं। मैं आज की इस वीडियो पर आपको बताने वाला हूं। अगर आप भी योनो SBI को यूज करते हो और आपने योनो SBI में अकाउंट बनवा रखा है और आप योनो SBI से अपना ATM कार्ड को ऑर्डर करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। आज की इस वीडियो पर मैं आपको फुल डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और पूरी जानकारी दूंगा कि आप योनो SBI से ATM कार्ड कैसे ऑर्डर कर सकते हो और अपने घर पर पते पर कैसे मंगवा सकते हो। तो आज की इस वीडियो को आप आखिरी तक देखना। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको योनो SBI को ओपन कर लेना है और आपको लॉगिन कर लेना है। एक बात मैं आपको बताऊं तो आपको योनो SBI में अकाउंट बनाना रहता है और ये अकाउंट आप खुद नहीं बना सकते हो, आपको बैंक में जाना पड़ता है। आपकी जो भी ब्रांच है SBI की, उस ब्रांच में जाके आपको अकाउंट बनवाना पड़ता है। और अकाउंट बनवाते समय आपको ये बोलना है कि मेरा जो आप योनो SBI में अकाउंट बनाओगे वो मेरा फुल एक्सेस बना देना, जिससे मैं अपना डेबिट कार्ड, ATM कार्ड या फिर कोई भी कार्ड ऑर्डर कर सकूं, ठीक है। तो आपको इस तरह से बोल देना है। जब वो आपका फुल एक्सेस बना देंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, आप लॉगिन कर लोगे। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब ATM को ऑर्डर करने के लिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा कार्ड वाला, आपको क्लिक करना है। और जैसे आप कार्ड वाले ऑप्शन में क्लिक कर दोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा। अब इधर पर आप देखोगे आपके सामने तीन ऑप्शन आ जाते हैं। पहला आ जाता है SBI डेबिट कार्ड का और दूसरा आ जाता है SBI क्रेडिट कार्ड का। और इसी तरह से आपके सामने अलग अलग कार्ड के ऑप्शन आ जाते हैं। तो आपको सिंपल सा फर्स्ट वाला सेलेक्ट करना है। इधर पर ऑप्शन आ रहा है SBI डेबिट कार्ड, आपको क्लिक करना है। उसके बाद इधर पर एक ऑप्शन आएगा माई डेबिट कार्ड, आपको क्लिक कर देना है। और जैसे आप क्लिक कर दोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा। इधर पर आपका अकाउंट का बैलेंस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद आपके सामने नीचे की तरफ एक ऑप्शन आएगा रिक्वेस्ट ए न्यू कार्ड, आपको क्लिक कर देना है। और जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको फिजिकल वाले पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कर दोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा। इधर पर आपका एड्रेस देखने के लिए मिलेगा नीचे की तरफ, जैसा कि आप देख सकते हो। जिनका बैंक अकाउंट है उनका नाम देखने के लिए मिलेगा। तो आपको आपके ATM कार्ड में क्या नाम चाहिए वो इधर से आपको देखने के लिए मिलेगा। जो भी बैंक में नाम है वो इधर पर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। तो अगर आपको इसको एडिट करना है तो आप इधर से चेंज भी कर सकते हो पेंसिल वाले ऑप्शन में क्लिक करके। उसके बाद इधर पर आपको अपना एड्रेस इधर पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपका जो भी आधार कार्ड में एड्रेस डाला हुआ है उस एड्रेस में आपका ATM कार्ड इधर पर डिलीवर्ड हो जाएगा। उसके बाद इधर पर आपके सामने आएगा सेलेक्ट कार्ड का, आपको क्लिक करना है। उसके बाद इधर पर आपसे पूछा जाएगा आपको कौन सा कार्ड चाहिए, रुपे डेबिट कार्ड चाहिए, तो इस तरह से अलग अलग कार्ड है, ठीक है। जैसे कि मुझे ATM कार्ड चाहिए तो रुपे का चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद आपके सामने नीचे की तरफ एक ऑप्शन आएगा इधर पर आई एग्री का, इस पर इधर पर आपको टिक कर देना है। उसके बाद इधर पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा नेक्स्ट वाला, आपको क्लिक कर देना है। और नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपका सक्सेसफुल आपका ATM कार्ड है वो ऑर्डर हो जाएगा। तो इस तरह से आप ऑर्डर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। आज की वीडियो नीट है।